और अब बात ग्वालियर की करेंगे, जहां एसडीओपी संतोष पटेल ने एक अनोखी पहल की है और एक बुजुर्ग की मदद की। दरअसल एक बुजुर्ग ने अपने बेटे से परेशान था और जिसके बाद उसने आरोन थाने में अपने बेटे की शिकायत की, जिसके बाद एसडीओपी संतोष पटेल ने समझदारी दिखाई और बुजुर्ग के बेटे सोनू आरोन थाने में बुलवाया। तो वहीं संतोष पटेल ने पहले तो सोनू को अपने सख्त पुलिसिया लहजे में समझाइश दी, फिर सोनू और उसके पिता को बैठाकर आपस में बात कराई। बातचीत के दौरान बुजुर्ग के बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसने अपने पिता के पैरों में सिर रखकर माफी मांगी। उसके बाद पुलिस ने दोनों पिता पुत्र को घर पहुंचा दिया और बताते चले कि करीब 3 महीने पहले भी सोनू ने अपनी मां के साथ मारपीट की थी। धमतरी नगर निगम का बजट मंगलवार को नहीं पेश हो सका। सवालों का जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने नगर निगम में जमकर हंगामा किया और जिसके चलते ये पूरा मामला। हंगामे की भेंट चढ़ा नगर निगम का बजट, नहीं पेश हो सका धमतरी नगर निगम का बजट। जी हां, धमतरी नगर निगम का बजट मंगलवार को हंगामे की भेंट चढ़ गया। सामान्य सभा की बैठक के दौरान सवालों का जवाब नहीं मिलने पर विपक्ष ने हंगामा किया। महापौर बजट से पहले अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन हंगामा इतना बढ़ा कि महापौर बजट का सूटकेस लेकर बाहर निकल आए। इसके बाद महापौर नहीं लौटे, जिसके चलते नगर निगम का बजट पेश नहीं हो सका। अब दोनों दल इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। दरअसल सामान्य सभा की बैठक में महापौर को निगम का बजट पेश करना था। इस दौरान प्रश्नोत्तरी रखी गई थी, जिसमें पार्षदों ने कुल 60 प्रश्न लगाए थे। इसके अलावा 9 एजेंडे भी रखे गए थे। शुरुआत में विपक्षी पार्षदों ने भवन अनुज्ञा संबंधित जांच करने की मांग की, लेकिन जवाब नहीं मिला। इस पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पक्ष और विपक्ष के पार्षद आपस में भिड़ गए। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों दलों के पार्षद डायस पर पहुंच गए और टूटू मैमे शुरू हो गई। विरोध के दौरान विपक्षी पार्षद वहीं धरना देने के लिए बैठ गए। सभापति जब जवाब दे रहे थे तो उनको जवाब देने का सलीका पता नहीं है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या लेके आया हूँ। उनके पास जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में इनके पास उत्तर नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में ठेकेदार ने काम छोड़ा, इन्होंने 1.5 साल पहले उसको ब्लैकलिस्ट किया, उसके बाद तक कोई कार्रवाई नहीं। राज्य सरकार ने 1.5 करोड़ रुपया उनको अभी राशि आवंटन किया, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ठेकेदार से मिली भगत करते हैं कि इनके साथ क्या चर्चा करते हैं, उजागर नहीं करते। हंगामा इतना बढ़ा कि महापौर सदन से नाराज होकर निकल गए, अपने साथ बजट सूटकेस भी ले गए। काफी देर तक जब महापौर नहीं लौटे तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। अब धमतरी नगर निगम का बजट 17 अप्रैल को पेश किया जाएगा। विपक्षी पार्षदों का आरोप है कि सत्ता पक्ष ने उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का कहना है कि पिछली 2 बैठकों में बीजेपी पार्षद सदन से चले गए थे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये केवल और केवल हल्ला गुल्ला करके, विशेष करके कैमरे में सामने आने के लिए इस प्रकार से सदन की गरिमा को तार तार करते हैं। महापौर जब बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ है, महापौर का बजट सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे माहौल में हम कैसे बजट प्रस्तुत करें? महापौर अगर बोल नहीं पाएगा तो बजट कैसे प्रस्तुत होगा? तो केवल हल्ला करने से शहर का विकास नहीं होगा। आप सवाल करिए, हम सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम कभी पीछे नहीं हटते सवाल का जवाब देने के लिए, लेकिन ये लोग हल्ला गुल्ला करके, इनके पास मुद्दा नहीं है, इस हल्ला गुल्ला के बहाने पीछे हटते हैं। बहरहाल धमतरी नगर निगम का बजट हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्षी पार्षदों ने खूब हंगामा किया। सवालों का जवाब नहीं मिलने से विपक्षी पार्षदों के हंगामे के बीच मेयर सूटकेस लेकर बाहर निकल गए और कार्यवाही स्थगित हो गई। ऐसे में अब 17 अप्रैल को पुनः बजट पेश किया जाएगा। धमतरी से नंदन कुमार साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।